أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تيسر وتبدل الخير ربك نستعين क्या हाल है बेटा, सब ठीक है? आप देख रहे हैं आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4, जैसे आपने पहले अभी लेक्चर एक पहले लेक्चर दिया है इसी तरह चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.1 आपने लास्ट टाइम 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोर्ड में कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट देखें। आपके पास लिखा हुआ है जी x की पावर 2 माइनस 49, इस डॉट का मतलब आपको पता है ये मल्टीप्लाई है, आप इस डॉट की जगह जरा भी लिख सकते हैं या डॉट भी लिखा रहने दे कोई मसला नहीं। और आगे 5x plus 2 by x plus 7, आपको पता है x की पावर 2 और ये 49 भी किसी की पावर होगी, किसी का स्क्वायर बन सकता है, तो आप 49 को किसी का स्क्वायर बनाएं तो x की पावर 2 माइनस ये 7 की पावर 2 बन गई। डॉट 5x plus 2 इसका मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं x plus 7। अब देख रहे हैं अगर आपके पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर आ जाए माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर आ जाए तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो एक दफ़ा उसको प्लस करते हैं और एक दफ़ा उसको माइनस करते हैं, यानी अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर सेंटर में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा प्लस करते हैं एक दफ़ा माइनस। अब इसके अंदर वही फार्मूला अप्लाई करें तो एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन मल्टीप्लाई फाइव एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस सेवन। आप देख रहे हैं जी इसके अंदर फार्मूला को पहले जो पहले लिखा है आपको याद होगा आठवीं क्लास में पढ़ा हुआ आपने, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये बटे के नीचे यानी ये तकसीम हो रहा है और ये सारी ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। आपको पता है ये इससे कट गया है क्योंकि सेम थे, आपके पास बचा एक्स माइनस सेवन और फाइव एक्स प्लस टू, ये आपका आंसर है। इसी तरह इसके पार्ट नंबर जो बाकी हैं वो आप सॉल्व करने में काबिल हो गए हैं। आप आगे 4.2 एक्सरसाइज है हमारे पास, इससे आगे लेके चलते हैं कि आपके पास एक्सरसाइज 4.2 को देखते हैं। अब इसी के लिए बेटा आपने कुछ फार्मूले याद करने हैं, आपके इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी फार्मूले लिखे हुए हैं, आगे आप वापस क्लासे के अंदर जाएं तो लास्ट में चैप्टर नंबर 4 के लास्ट में क्लासे के अंदर भी इसके या आगे जब जिधर आंसर दिए गए हैं उस उधर भी तकरीबन आपके ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं। आपने ये फार्मूले सारे याद करने हैं तो आप लोगों को ये मैंने पहले बोला, पहले लेक्चर में बोला था कि अगर ये चैप्टर, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अलजेब्रिक कुलिये, तो कुलिये का मतलब फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले आपको आने चाहिए, आएंगे तो चैप्टर नंबर 4 आपको बहुत ईजी लगेगा। अभी आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, ये आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में मेंशन किया गया है, लिखा हुआ है जी एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू 10 एम एन प्लस एन पी प्लस एम बी इज इक्वल टू 27 और आपने मालूम करना है एम की पावर 2 प्लस एन की पावर 2 प्लस पी की पावर 2 इज इक्वल टू, आपने ये चीज मालूम करनी है। अब आपको फार्मूला आपकी बुक में मेंशन होगा, वो लिखता है जी अगर ए प्लस बी प्लस सी तीन वैल्यू का होल स्केयर आ जाए तो आपके पास फार्मूला ओपन होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी या सी ए, जो मर्जी आप कर लें, ए को बाद में लिख दें सी को बाद में लिख लें कोई मसला नहीं। अब ये फार्मूला आपकी बुक में मेंशन होगा, आपने यही फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है क्योंकि इधर एम प्लस एन प्लस पी है, वैल्यू चेंज हो गई है लेकिन फार्मूला यही है। आपने एम प्लस एन प्लस पी इसका स्केयर अगर लिया जाए तो वो बराबर होगा आपके पास एम स्केयर एन स्केयर पी स्केयर प्लस टू। अब देख रहे हैं जी फार्मूले में तीनों के अंदर टू है, तो टू को मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा एम एन एन पी प्लस एम बी, यानी अगर इसमें से आप दो को कॉमन निकालें तो आपके पास बचेगा ए बी बी सी ए सी, यही बचेगा ना, मैंने दो को कॉमन निकाला तो इस फार्मूले में मैंने दो को कॉमन निकाल लिया उस फार्मूले के मुताबिक। अब देखिए वैल्यू जो आपको दी है आप दर्ज करें एम प्लस एन प्लस पी, इसकी वैल्यू उसने आपको 10 दी है तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये चीज़ आपने मालूम करनी है, तो इसको आप एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख देंगे प्लस 2
फार्म आगे इस वैल्यू की कीमत भी उसने आपको दी है 27। आपको पता है जी ये 2 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप 10 का स्केयर लें तो आपके पास 10 का स्केयर 100 यानी 10 की पावर 2 है, तो 10 दो दफा जरब होगा तो क्या आएगा जी 100। इसी तरह ये चीज़ आपने मालूम करनी है वो वैसे की वैसे लिख दें, ये जरब खाएगा तो आपको पता है 27 27 को 2 के साथ जरब दें तो आपके पास 54 आएगा, क्योंकि 2 7 14 एक कैरी दिया, 2 2 4 और 1 5 ये वैल्यू इधर प्लस है, इसको इधर लेके आए तो अगर इधर प्लस है तो बराबर की इस तरफ जाके वो माइनस हो जाती है। और एक बात का ध्यान रखना है कि उधर जो भी वैल्यू मौजूद होगी इधर से जब आप वैल्यू लेके जाएंगे तो उस वैल्यू के बाद में लिखेंगे, पहले नहीं लिखेंगे। अगर पहले लिख दिया तो सवाल गलत हो जाएगा, उस वैल्यू जो इधर मौजूद है उसके बाद में वो वैल्यू प्लस या माइनस करनी है। तो ये इधर प्लस इधर जाके माइनस और इधर बचा एम स्क्वायर एम स्क्वायर पी स्क्वायर 100 में से 54 यानी 54 को निकाल दें तो आपके पास 46 बचेगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, आपके पास जिसकी कीमत आपने मालूम कर ली थी इसी की कीमत आपने निकाल ली थी तो वो आपके पास निकल आई है। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो आप खुद कर लेंगे, सेम इसी तरीके से इसी फार्मूले से उसमें हल होना है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 x माइनस y इज इक्वल टू 4, x और y की कीमत उसने आपको दी है 21 और आपने आपने मालूम करना है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 यानी x क्यूब माइनस y क्यूब आप लोगों ने मालूम करना है। अब ये फार्मूला भी आपने 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर a माइनस b का क्यूब लिया जाए तो बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू a सेकंड वैल्यू b, या इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं आगे जिस वैल्यू का आपने क्यूब ओपन किया है वो वैल्यू लास्ट में लिख दी। ये फार्मूला भी है आपकी बुक में इस तरह भी लिखा होगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 a की पावर 2 b फिर आगे प्लस 3 a b की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ बच जाएगी, ऊपर वाला भी लिख सकते हैं नीचे वाला भी लिख सकते हैं वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप इसको ओपन कर लें। अब आपने सेम इसी तरह क्यूब लेना है फर्स्ट, यानी आप लिखेंगे x माइनस y की पावर 3 और इधर 4 है राइट हैंड साइड में तो उसकी पावर भी 3 आएगी, यानी क्यूब क्यूब वाला फार्मूला आपने ओपन करना है तो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू तो x की पावर 3 आ गई माइनस y सेकंड वैल्यू है तो उसकी पावर भी 3 आ गई माइनस 3 फार्मूले वाला आपके पास आगे फर्स्ट वैल्यू का स्केयर यानी फर्स्ट वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी आपको पता है तो एक्स वाई इधर आ गया उधर ए बी है फार्मूले में इधर एक्स वाई है तो एक्स वाई की एक्स वाई आ गया फर्स्ट और सेकंड वैल्यू फिर आगे जिसका आपने क्यूब ओपन किया है वो वैल्यू आपने 7 लिख दी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का 4 की पावर 3 है तो आपको पता है 4 की पावर 3 तो बराबर 4 अब 3 दफा जरब होगा 4 3 से नहीं 4 3 बार यानी जितनी पावर हो उसको 3 दफा मल्टीप्लाई करें 4 4 64 यानी 16 4 4 16 और 16 4 64 ओके यानी 4 4 16 और 16 4 64। अब आपने देखा जी इसकी कीमत उसने आपको दी हुई है इसकी कीमत भी आपके पास मौजूद है तो आपने कीमत दर्ज कर देनी है x की पावर 3 y की पावर 3 ये चीज आपने क्यूब मालूम करना है ये वैसे का वैसे नहीं ला रहे थे माइनस 3 एक्स और वाई की कीमत उसने 21 दी है और एक्स माइनस वाई की कीमत उसने आपको 4 दी है और इधर आपके पास 64 एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये तीनों वैल्यू तो ब्रैकेट से है तो इसका मतलब जरब होगा आपको पता है जी 4 3 से जरब कर लें या इसको पहले जरब कर लें वो आपकी मर्जी 4 3 12 और 12 के टेबल 21 तक पढ़ लें क्या आएगा जी आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना 2 1 2 2 4 1 1 1 और 1 2 2 तो आपके पास आंसर आया जी 252
माइनस ये वाला, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 252 और इधर 64। आप देख रहे हैं हमें p में चाहिए x का क्यूब माइनस y क्यूब, इसी की कीमत आपने मालूम करनी है। ये इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस y क्यूब तो 64 प्लस 252। देखा जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो वैल्यू इधर से उधर या उधर से इधर लेके आनी है तो उधर वाली वैल्यू के बाद में लिखनी है, तो ये इधर माइनस थी उधर जाके प्लस होगी, इसको प्लस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा कि 316। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 का 1 है कैरी, 2 और 3, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपने मालूम कर लिया है, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 11 है, आप उसको देखें, आप सेम इसी तरीके से आपने उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ जी, x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है जी 11, और आपने मालूम करना है x की पावर 3 यानी x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब, ये आपने मालूम करना है। सेम यही फार्मूला इसके अंदर अप्लाई किया हुआ उसने, ये भी क्यूब का ही फार्मूला है, यानी x क्यूब ये फर्स्ट वैल्यू है, 1 बाय x क्यूब ये सेकंड वैल्यू है। जैसे ये a है और ये b थी, इसके अंदर ये x क्यूब और ये सेकंड b वाली वैल्यू आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, तो आप इसका क्यूब ओपन करें तो x माइनस 1 बाय x इधर भी क्यूब आएगा और 7 के साथ भी क्यूब। आप उर्दू वाले तो लिखेंगे बराबर के दोनों तरफ मौका लेने से, इधर लिख लीजिएगा बराबर के दोनों तरफ मौका लेने से, इंग्लिश वाले इसको क्यूब कहते हैं, उर्दू वाले मौका कहते हैं। तो चले आप लिखेंगे, अब ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू, तो आपने फर्स्ट वैल्यू का क्यूब ले लिया माइनस 1 बाय x, ये सेकंड वैल्यू तो इसका क्यूब ले लिया माइनस 3, फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू x सेकंड वैल्यू 1 बाय x, और एक दफा जिस वैल्यू का क्यूब ओपन किया वो वैल्यू आएगी, और राइट हैंड साइड में आपके पास 7 की पावर 3 है, तो आपको पता है 7 की पावर 3 इसका मतलब 7 तीन दफा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 49 49 का टेबल 7 तक बढ़े तो क्या आता है, 7 ना आया 63, 3 6 कैरी, 7 चौका 28, 28 के अंदर 6 को प्लस करें तो आपके पास आंसर आएगा 34। आप इधर देखेंगे 343। इसी तरह x की पावर 3 लेंगे तो x की पावर 3 ही लेगी माइनस 1 की पावर 3, आप 1 की पावर 3 है, 1 को आपने 3 दफा जरब करना है तो क्या आएगा, 1 × 1 × 1 एक ही दफे की होता है, तो ये एक ही आएगा, x का क्यूब लें तो x की पावर 3 आ गई। इसी तरह माइनस 3, आपको पता है x 1 से ज़रब होगा तो ये आपके पास x बटा x इस तरह आना था, हम x x को काट सकते हैं यानी इधर x x को काट सकते हैं, तो 3 × 1 = 3 और इसकी कीमत x माइनस 1 बाय x की कीमत उसने आपको पहले ही 7 दी है, इसकी जगह आपने उसकी वैल्यू दर्ज कर दी आगे 343। आप देख रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की पावर 3 माइनस 1 बाय x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस माइनस ही होता है, 7 × 21 इज इक्वल टू 343। आप देख रहे हैं ये इधर माइनस है, इधर जाके क्या होगी जी प्लस हो जाएगी, तो x की पावर 3 माइनस 1 बाय x की पावर 3 343 के अंदर प्लस किया 21 को, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 3 ये वाला 7, तो आपके पास आंसर आ गया x की पावर 3 माइनस 1 बाय x की पावर 3 इज इक्वल टू 364, आपने ये कीमत मालूम कर ली है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 13 है 13, वो सेम इसी फार्मूले से इसी तरीके से होगा, वैल्यू चेंज होगी लेकिन आपने इसी तरीके से उसको भी सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट इसने मेंशन किए हैं बोर्ड के अंदर, 14 के इसके दो ही पार्ट है, पहला और दूसरा। आप देखें जो दूसरे वाला पार्ट होगा वो आपने इसी फार्मूले की मदद से उसको सॉल्व करना है, वो मुश्किल नहीं है बल्कि वो अलग फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला उसके अंदर नहीं अप्लाई होगा, वो दूसरा फार्मूला है, वो फार्मूला लगेगा आपके अंदर अगर फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकेंड वैल्यू का क्यूब आ जाए,
फर्स्ट का भी क्यूब सेकंड वैल्यू का क्यूब आ जाए तो आप लिखेंगे फर्स्ट माइनस ए माइनस बी, एक दफा ये वैल्यू वैसे लिख देंगे और आगे लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 14 के जो दूसरा पार्ट है जो आपने करना है उसके अंदर ये फार्मूला आपने अप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट पार्ट आप देख लें, देखा हुआ है आपके पास, इसका फर्स्ट पार्ट x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस x प्लस y, ये आपका फर्स्ट पार्ट है 14 का। 14 का पहला पार्ट है, इसके अंदर देखें आपके पास फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू क्यूब ये आगे है, तो आपने ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करना है। तो आप लिखेंगे x माइनस y, जैसे आपने a माइनस b एक दफा वैसे लिखा, इसके अंदर x माइनस y एक दफा वैसे ही लिख दिया। अब आपने आगे उधर a स्क्वायर है तो इधर आपके पास x की पावर 2 आएगी प्लस x और y प्लस y, उधर b स्क्वायर है तो इधर y स्क्वायर और साथ माइनस x प्लस y, ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख दी। आप देख रहे हैं जी इन दो में से कुछ चीज अगर कॉमन निकाले तो x माइनस y वैसे रहेगा और ये वाली वैल्यू भी आपने वैसे की वैसे ही लिख देनी है, और इसमें से माइनस को अगर कॉमन निकाल लें तो आपके पास ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जब माइनस को कॉमन लिया जाता है तो जो वैल्यू माइनस होती है वो प्लस हो जाती है और जो प्लस होती है वो माइनस हो जाती है। आपने माइनस को कॉमन ले लिया, आप देख रहे हैं आपके पास दो हिस्से बन गए, ये एक है और ये एक है, दो हिस्से बन गए। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो आप देख रहे हैं x माइनस y और x माइनस y ही कॉमन आ रहा है, तो x माइनस y को आपने बाहर निकाल दिया, ये दोनों कॉमन थे बाहर चले गए। अब आपके पास बचा गया x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई 2 और ये माइनस, और ये वैल्यू जब बाहर गई है तो कितना क्या बचेगा जी 1, ये आपका आंसर है। इसी तरह जिसका पार्ट नंबर सेकंड है इसी फार्मूले से उसने सोल्व होना है, आप उसको सोल्व करने के काबिल हो गए। इसी तरह 4.2 आपकी सारी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।